अभी वहां बैठ के खा रही है अपना ब्रेड ऑमलेट, और मैं चली बहुत दिन के बाद। मुझे लगा कि चलो अब कुछ सिलाई कटाई भी करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। और आज देखिए धूप अच्छी है, तो मैं सोची कि सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तो उन्हें पहले मैं अर्घ दे दी। और इसके बाद छत पर तुलसी जी हैं, यहाँ भी मैं जल चढ़ाती हूँ। और तुलसी के पौधे मेरे एकदम से बेजान सूखे हो गए हैं। सूखे तो नहीं है, पत्ती है इनमें, लेकिन एकदम से झड़ गए हैं पत्ती भी ठंड की वजह से। फिर मैं नीचे आई, पूजा पाठ करके किचन क्लीन करके गई थी, और यहाँ पर सिर्फ पतिदेव मेरे चाय पिए हैं। और अब मैं चली खाना बनाने। और मुझे 4-5 दिन घर में बनाए हो गए, रोटी खा खा करके बोर हो गई हूँ। चावल बनाया क्योंकि सबको सर्दी खांसी बुखार भी था, तो आज मैं सोची कि सिंपल सा दाल चावल और भुजिया बनाते हैं। तो मेरा देखिए दाल एक तरफ चढ़ा है और आलू का भुजिया, और भी सादा बिना मसाला का मैं बना रही हूँ। मसाला वाला नहीं खाने का मन है। और अगर लिट्टी बच जाए रात की और ठंडा हो जाए, तो उसे गर्म करने का एक ही ट्रिक है, या तो फिर तवा पर काट करके उसे गर्म करें, या फिर कढ़ाई में गर्म करें। इसके बाद उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो लिट्टी मैं गर्म कर ली, और इसके बाद पापड़ तल रही हूँ। मेरा खाना बन करके रेडी हो गया, दाल चावल और साथ में पापड़। सिंपल सा खाना, ज़्यादा सब्जी वगैरह मैं कुछ नहीं बनाया। वैसे भी गला भी बैठा है, तो चटनी चोखा है, सब तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। और सोची कि चलो आज गर्म गर्म दाल चावल ही खा लेते हैं। रोटी खा खा के मन उग गया एकदम। ये रहा मेरा दाल चावल, और ये दाल झारखंड में उगने वाला है विशेष दाल, कुर्थी, जिसे कि भून करके बनाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है, उसी का दाल मैं बनाई हूँ आज। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। दिखाते हैं आप सबको छवि क्या कर रही है, क्या बना रही है कढ़ाई में, क्या लेकर के बैठी है, ब्रेड और दो अंडा, क्या बना बनाते हैं। बना बना फटाफट बना बना रही। पहले प्याज भूंजी, मिर्ची भूंजी, फिर इसको निकाल के पूरा यूट्यूब से सर्च करके बना रही है। खाना चाहिए। हाँ देखिए प्याज भून लिया, उसका क्या बनाना है तुमको? ब्रेड ऑमलेट। अच्छा ब्रेड ऑमलेट बनाना है, देखते ब्रेड से की बीच में डालू ना। वाह सेक लूँ, जल रहा है, कम कर। क्या बना रही है, कैसे बना रही है अपना टिक लगा करके, कम की हो आँच। अब सारा प्याज डाल दो, तो नमक डाल रही है। चलो ब्रेड डालो, अब ब्रेड डालो ना, ब्रेड नहीं सटेगा फिर। एक एक तो दोनों तरफ से रखो आधा पेपर से। वाह दबाओ दबाओ ना उसको, नहीं तो नहीं सटेगा, सिका जाएगा अंदर, तो सिकाइए क्या है नीचे। चलो तो क्या देखिए क्यों बना रही है इतना मेहनत से, इसका भी नमक डाल दिया, अभी ब्रेड ऑमलेट हो गया। अब सेकने तो दो उसको बढ़िया से। रुको यार, तुम ऐसे नहीं बनता है, तुम मेरा कबाड़ा। हम कबाड़ा करवाए
हम क्या कबाड़ा करेंगे, तुमको तो पता ही नहीं है कि कैसे बनाया जाता है। गूगल पर सर्च की, कहाँ कहाँ देख करके तो बना रही हो। अरे कढ़ाई में भी बनता है, कहीं भी बनता है, एक ब्रेड नीचे रहता है। सेकना तो दो, इधर से पलट के सेक देना। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है, ठीक कितना गंदा बना है। ये देखिए ये बन के रेडी हो गया, इसका टेस्ट करके दिखाओ जरा कैसा है। ओहो अपना बनाया हुआ है छवि का, ऑमलेट अलग और ब्रेड अलग। ठीक बना, फ्रेंड्स छवि वहाँ बैठ के खा रही है अपना ब्रेड ऑमलेट और मैं चली। बहुत दिन के बाद मुझे लगा कि चलो अब कुछ सिलाई कटाई भी करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आई हूँ कपड़े निकालने के लिए। कपड़े जो मुझे सिलने हैं देखिए, ये सूट मैं मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, और आज नहीं दशहरा के टाइम, नहीं दशहरा नहीं करवा चौथ के समय, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं अभी तक सिल नहीं सकी। सोच रही हूँ क्यों नहीं से, क्योंकि करवा चौथ के बाद दीपावली, दीपावली के बाद छठ पूजा, त्यौहार में बिजी, और फिर मेरे घर में पेंटिंग का काम चलने लगा, इस वजह से मशीन तो एकदम किनारे रख दिए, सिल नहीं पा रही थी। सोची आज मैं इसे कटिंग करूं। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम कई बार कोई भी काम करने को सोचते रहते हैं कि अब शुरू करेंगे और शुरू ही नहीं करते हैं, लेकिन हमें सोचना नहीं चाहिए कि काम शुरू करना है, बल्कि हमें करना चाहिए। जो भी काम करना है हम सोचने से ज़्यादा हमें उसे करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए, तो भी वो काम पूरा हो सकता है। तो मैं इसे मेजर करके और कटिंग करके यहाँ पर रख दे रही हूँ, और मैं इसे अभी सिलूँगी नहीं क्योंकि शाम हो चुकी है और मैं बाद में सिलूँगी। और मेरा थोड़ा सा सर में भी दर्द है, तो सिलाई थोड़ा सा दिमाग शांत होने के बाद ही करना चाहिए। और सिलाई का काम ऐसा होता है कि उसे आँख से भी देखना पड़ता है, हाथ से भी करना पड़ता है, और साथ साथ दिमाग से भी, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सारा गड़बड़। फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, शाम नहीं बल्कि नाइट, और मैं देखिए सेम काट करके रखी इसकी सब्जी बनाने के लिए, तो यही भर रखी इस दिए से अपना ठंड कर रहे हैं। हीटर भी ठीक से जल नहीं रहा है। चलते हैं अब नाइट के डिनर की तैयारी के लिए, और अभी तक नहीं आए हमारे हस्बैंड घर में, ठंड भी ज़्यादा है, ज़्यादा है, मेरा गला भी बैठा है देखिए। अच्छा से ठीक नहीं हुआ है अभी गला मेरा। मैं जा रही हूँ सेम की सब्जी बनाने, साथ में रोटी। करते हैं वीडियो को एंड, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।